हाँ साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम 2 दिनों के बाद अपनी एक नई क्लास के साथ तैयार हैं, और आज की क्लास में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था, और आज जो है हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, तथा लोधी वंश का जो शासन काल रहा है वह 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। तो सर्वप्रथम हम आज इसके संस्थापक बहलोल लोधी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी जो था वह 1451 से 1489 ईस्वी तक उसके द्वारा शासन किया गया था, और यह अफगानों की एक जो शाखा थी साहूले, उसके द्वारा जो उसमें जातियां आती थी उससे यह संबंधित था, और उसी के द्वारा ही दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका हम टाइम पीरियड लिखेंगे 1451 से 1489 ईस्वी तक। उसके पुष्पांड से हमें भी लिखते चलिए, बहलोल लोधी द्वारा द्वारा दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना की गई। स्थापना की गई। और जो बहलोल लोधी था वह अफगानों की एक जो शाखा थी साहूले उससे संबंधित था, और यह दिल्ली का सुल्तान जब बना तो इसने स्वयं को गाजी की उपाधि से नवाजा, और अपने जो जब सरदार थे उन्हें जागीरें प्रदान की। सेकंड पॉइंट देखेंगे तो यह अफगानों की शाखा से संबंधित था। इसने सुल्तान बनने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि उपाधि धारण की। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे, इसके आगे कुछ पॉइंट्स हमने भी लिखेंगे। और यह जब दिल्ली का सुल्तान बना, इसके पश्चात इसके जो सरदार थे उन्हें जागीरें भी प्रदान की थी। तो इन पॉइंट्स को लिखिए, इसके आगे कुछ पॉइंट्स हमें भी देखते हैं। और इसके द्वारा ही जौनपुर जो राज्य था उसके लिए दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था, जहां पर सरकी वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद करेंगे कि जौनपुर जहां सरकी वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था उसे भी बहलोल लोधी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, और इसके द्वारा एक सिक्का भी चलाया गया था जिसे बहलोली सिक्का कहा गया, और यह सिक्का अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में था। तो आप अंदाज लगाइए कब से कब तक यह सिक्का प्रचलन में रहा है।
लोधी वंश के बाद देखिए, लोधी वंश में सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी हुए, फिर मुगल साम्राज्य आएगा जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बाबर हुमायूं के आने के बाद कहीं जाकर अकबर आया था, उस समय तक इसके सिक्का चलते रहे थे। तो लिखेंगे सुल्तान बनने के पश्चात इसने अपने सरदारों को जागीरें प्रदान की। अब इसके द्वारा जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया ये, और जौनपुर में उस समय यहां पर सरकी वंश स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। कौन सा वंश? तो सरकी वंश कहां पर शासन कर रहा था? तो जौनपुर में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इसके द्वारा एक सिक्का चलाया गया जिसे बहरोली सिक्का कहा गया। जिसे बहरोली सिक्का कहा गया, और वह अकबर के शासनकाल तक प्रचलन में था, और वह अकबर शासन तक प्रचलित था। तो इन पॉइंट्स को लिखेंगे, और यह अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, इसने अपने सरदारों को मनसद ए अली कहा था, और यह सरदारों के साथ खड़े होकर बात करता था। यह कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, जमीन पर कालीन पे बैठता था, और वहीं पर यह बैठकर अपने सरदारों की बातें सुनता था। और इसके बाद इसका जो पुत्र निजाम खान हुआ था वह शासक बना, जो आगे चलकर सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया। वह दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के अंतर्गत लोधी वंश का द्वितीय शासक बना था। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखते चलते हैं। तो लिखेंगे वह अपने सरदारों को मनसद ए अली कहकर पुकारता था, या इस प्रकार लिखने, इसने अपने सरदारों को मनसद ए अली कहा, इसने अपने सरदारों को मनसद ए अली, मनसद ए अली कहा। और यह कभी भी
ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कभी भी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा। हमेशा जमीन पर कालीन के ऊपर बैठकर शासन किया। हमेशा जमीन पर कालीन के ऊपर बैठकर शासन किया। और इसके पश्चात इसका पुत्र निजाम खान, दिल्ली सल्तनत का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। यह जो निजाम खान था इसे ही आगे चलकर सिकंदर लोधी कहा गया। निजाम का ही आगे चलकर सिकंदर लोधी के नाम से जाना गया था। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छे से नोट किया होगा और समझा भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलेंगे सिकंदर लोधी के साथ नई क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।